हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह फ्राइडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए कमिंग 36 आवर्स की रीडिंग लेकर। शुक्रवार ही है ना आज पता चला मैंने वीडियो डाल दी बाद में कमेंट में आया मैम आज तो थर्सडे है कैलेंडर कहाँ है मेरा। हाँ फ्राइडे ठीक है। और आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। आप सब मेरी तबीयत को लेकर इतना इतना ब्लेस करते हैं मुझे, थैंक यू सो मच। काफ़ी ठीक हूँ मैं, कुछ हुआ नहीं है, सर्दी है सिर्फ। और सर्दी सबसे इरिटेटिंग लगती है क्योंकि मुझे बोलना रहता है ना, सर्दी होती है तो मुझे लगता है बस सो, तो सोना मेरे हैबिट में है नहीं, काम करने की आदत है। एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में आज भी वीडियो डल गई है, अगर आपने नहीं देखी है आप जाकर देख सकते हैं एस्ट्रो विद एम सिंह। और बेसिक्स क्लियर करने के बाद उस चैनल पे मैं वीडियोस डालना शुरू करूँगी, आपके कौन से घर में कौन से प्लैनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपको कब कहाँ किस मोड़ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, कौन सा साल अच्छा है, कौन सा साल आपके लिए थोड़ा ध्यान देने के लिए रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पास्ट लाइफ से रिलेटेड, इस लाइफ से रिलेटेड, आपका सोल पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी वन बाय वन, बहुत ईजी मैनर में मैं सिखा रही हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी जानना चाहते हैं, वो जाकर एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स। इस चैनल पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम आपने बोला है कि आप कुछ स्टार्ट करने वाली हैं तो क्या आप टैरो सिखाने वाली हैं। नहीं गाइस, टैरो के लिए मुझे कोई भी इंडिकेशन नहीं मिली है। टैरो आपको सीखना है तो बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेस कराते हैं, आप सीख सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। बट मैं अभी फ़िलहाल जब तक मुझे आदेश नहीं मिलेगा मैं नहीं शुरू कर पाऊँगी, क्योंकि टैरो बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। और बहुत सारे ऐसे, खुद मेरे पास बहुत सारे ऐसे टैरो रीडर्स का रीडिंग आता है जो मुझसे खुद पूछते हैं कि मैम मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि मैं सही रीडिंग नहीं दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, और प्रेडिक्शन राइट नहीं हो रही है, चीज़ें कैसे हैंडल की जाएँ, या उनके खुद के लाइफ में उनके अभी तक यूनियंस नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीडर्स होते हैं जो खुद की रीडिंग्स लेते हैं मुझसे, तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप जब अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो रीडिंग्स में तो आप कैसे मतलब रीडिंग्स कर रहे हो, तो उनका जवाब होता है कि हमने कोर्स किया हुआ है और कोर्स करके हमने शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसे करें, बिकॉज़ उससे क्या होता है ना कि आपके एक गलत वर्डिंग से कई लोगों की लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो जब तक मुझे प्रभु की गाइडेंस नहीं मिलेगी मैं शुरू नहीं कर पाऊँगी सिखाने वाला कार्य। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड मुझे गाइडेंस मिलती है तो वो पर्सन को मैं ज़रूर गाइड करूँगी। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से, जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप हमारे लिए पूछिए, तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन या नाम से चीज़ें पॉजिटिव निकलती हैं तो उसको मैं ये चीज़ ज़रूर सिखाऊंगी। अब बात करते हैं मैं किस लिए बता रही थी कि मैं क्या शुरू करने वाली हूँ। उस चैनल पे देखिए अब आपको एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों के वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो। इसके अलावा इस चैनल पर आपको टैरो मिलता ही है। टैरो के अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम अनएक्सपेक्टेड में आप ड्रीम्स तो बताते हो बट ड्रीम्स के मीनिंग्स नहीं बताते हो। तो हमें सेम ड्रीम आता है आप जो बताते हो, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उसे डीकोड कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी ड्रीम्स ऐसे हैं जो गूगल पे भी नहीं मिलते। तो मैं आपके लिए सपनों से रिलेटेड और कुछ संकेतों से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर ले आऊँगी, ठीक है। तो आपको स्वप्न से रिलेटेड भी गाइडेंस मिल जाएगी और संकेतों से रिलेटेड भी आपको गाइडेंस मिल जाएंगे, जो भी भगवान से रिलेटेड संकेत होते हैं, मेरे अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड संकेत जो मुझे मिलते हैं या मेरी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं,
ज़्यादातर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वन बाय वन सीरीज़ आएगी ताकि टैरो के अलावा भी आपको हेल्प मिले बाकी एरिया ऑफ लाइफ में। सो शुरू करते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। कमिंग 36 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कमिंग 36 आवर्स कमिंग 36 आवर्स ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए लव लाइफ में जगल करते करते बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले 36 घंटे में बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी से ये जगलिंग सिचुएशन ख़त्म होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, रात रात भर आंसू बहाते हैं, सुबह उठते हैं अपना डेली काम करते हैं जो भी काम है, फिर रात को जैसे ही बेड पे जाते हैं उन्हें बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारा स्ट्रेस घेर लेता है। आपको अजीब सी एक जो एनर्जी है ना, आपको अजीब सा लगेगा जैसे कि मेरे लाइफ में मेरा जो पर्सन है वो क्यों बंधा हुआ है, मेरा पर्सन मेरे लिए कब एक्शन लेगा या लेगी, इस तरह के थॉट्स, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वेटिंग से रिलेटेड थॉट्स आपको आने वाले 36 घंटे में बहुत ज़्यादा अपने कब्ज़े में, अपने काबू में करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये जो एनर्जी है ये मेरे व्यूवर्स की है आने वाले 36 आवर्स की, और आप में से कई लोगों के पर्सन की भी एनर्जी ये हो सकती है, वाइस वर्सा, क्योंकि ये कलेक्टिव लव रीडिंग है फॉर द कमिंग 36 आवर्स। तो आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं या आपके पर्सन के साथ, ये हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो इंडिपेंडेंट हैं, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे जा चुके हैं और अब हैप्पी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसका एक पर्पज़ रहा है और आगे भी जो होगा वो भगवान की मर्ज़ी से होगा और जो होगा अच्छे के लिए होगा। लेकिन आप बैलेंस्ड हैं, आप स्मूथ जर्नी आगे लेकर चल रहे हैं, बट आपके घर में कोई है या आपकी सोसाइटी में कोई है, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो आपको इंडिपेंडेंट नहीं रहने दे रहा। टॉक्सिक बिहेवियर है, टॉर्चर करने वाली एनर्जी है, शादी कर लो, हमारी मर्ज़ी से शादी करो, हम जहाँ कहेंगे वहीं शादी होगी, ऐसा ऐसा हो सकता है आने वाले 36 घंटे में, इस तरह के टॉर्चर आपको झेलने पड़ सकते हैं। देन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके लाइफ में ये नज़र आ रहा है कि पर्सन वापस आ तो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, एक दूसरे के प्रति इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दी है। तो इन चीज़ों को लेकर आने वाला 36 घंटा आपके या आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी का फ्लो है। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं कमिंग 36 आवर्स में। कमिंग 36 आवर्स में मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, क्या कॉल मैसेज आएगी एंजल्स, क्या बातचीत होगी। वी हैव गॉट 6 ऑफ फायर, सक्सेस की एनर्जी है। यस, इट्स अ यस कार्ड, डेफिनेटली आपसे बातचीत होगी, आपको मैसेज आ सकता है 36 आवर्स के अंदर। काफ़ी लोगों को कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, आपके पर्सन खुद वापस आ सकते हैं आपकी तरफ। क्या इस रिश्ते में कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं 36 आवर्स में किसी को, क्या कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन है। क्वीन ऑफ एयर विद एस ऑफ फायर, बॉटम से है क्वीन ऑफ अर्थ। देखिए दो दो सिचुएशन है, आपके पर्सन की लाइफ में ये कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बहुत टाइम से। आने वाले समय में ये आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे और आने वाले समय में एक्शन की भी एनर्जी है। ये आपके साथ अपने रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं,
तो बहुत सारे लोगों के पर्सन कमिटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट के साथ कि हाँ मतलब हम जनवरी तक बातचीत करेंगे या हम जनवरी में कमिटमेंट के लिए फादर से बात करेंगे या मदर से बात करेंगे, इस तरह की कोई एक डेडलाइन आपको दी जा सकती है। जो नो कॉन्टैक्ट में उनको मैसेजेस भी आ सकते हैं। थर्टी थ्री आवर्स के अंदर, सिक्स आवर्स के अंदर, फिफ्टीन आवर्स के अंदर या 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, किसी भी अदर सिचुएशन में हैं, चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, ठीक है, अगर आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो क्या वो भी एक्शन लेंगे, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। थर्ड पार्टी का नाम लिया और जगलिंग सिचुएशन है, अभी भी ये जगल कर रहे हैं, अभी तक थर्ड पार्टी से निकले नहीं हैं, लेकिन हाँ आपको मैसेज ज़रूर रिसीव हो सकता है, मैसेज का कार्ड है। आने वाले समय में ये आपकी तरफ जेस्चर ज़रूर देंगे, बट कोई प्रॉपर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे और आपके हो जाएंगे, इस तरह की एनर्जी फ़िलहाल तो नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा। कितना टाइम लग सकता है थर्ड पार्टी के रिलीज़ होकर वापस आने में? थ्री नंबर है, फ़िलहाल तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, अभी इन्होंने कोई ऐसा टाइम लिमिट डिसाइड नहीं किया है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्क इन प्रोग्रेस है, पार्टनरशिप में लेकर प्लानिंग की एनर्जी है। इट विल टेक टाइम, अभी यहाँ पर समय लग सकता है, प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजी बनाकर ही ये निकलेंगे उन सिचुएशन से। तो जो भी मुझे क्वेश्चंस लगे कि आपको हेल्प करेंगे, मैंने पूछ लिया है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट में बताया कीजिए, ताकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो आपके क्वेश्चंस लेकर इसमें पूछ लिया करूँ। सो गाइस, ये है आने वाले 36 घंटे की एनर्जी। एनर्जी का फ्लो कैसा रहेगा वो मैंने आपको अलग बताया है, उनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है वो मैंने आपको अलग बताया है। होप आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।